नमस्ते दोस्तों, अपर्णास रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए सबसे आसान और सबसे क्विक बनने वाली रेसिपी, सूजी का उपमा। वैसे इसे हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, तो मैं आज इसे मेरे तरीके से बनाना बताऊंगी आपको। मैं आपको इसमें पानी का एकदम परफेक्ट मेजरमेंट भी बताऊंगी, जिससे आपका उपमा कभी भी चिपचिपा नहीं बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बनाते हैं एकदम टेस्टी और हेल्दी सूजी का उपमा। सबसे पहले कढ़ाई में ये सूजी डाल देना। यहाँ पर मैंने एकदम बारीक वाली सूजी ली है, इससे उपमा एकदम अच्छा बनता है। और हाँ, जैसे आप देख रहे हो, सूजी को हमें ड्राई रोस्ट करना है, इसमें तेल या घी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर इसे ड्राई रोस्ट करने से सूजी बहुत अच्छे से भून जाती है और अपना उपमा जो है ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सूजी को हमें ड्राई रोस्ट ही करना है, तेल या घी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना रोस्ट करते वक्त। अब ये देखिए, ऐसे अच्छे से सूजी फूलने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देना और इसको एक बाउल में निकाल लेना। अब इसको साइड में रख देना और इसी कढ़ाई में तेल डाल देना। ये साधारण 4 बड़े चम्मच तेल डाला है मैंने यहाँ पर। अच्छे से गर्म होने देना इसको। और अब इसमें ये थोड़ी सी मूंगफली डाल देना। मूंगफली के बदले आप चाहो तो काजू भी डाल सकते हो। अब ये देखिए, मूंगफली से जब ऐसी आवाज़ आने लगे, आप समझ जाना ये एकदम अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो इसको तेल से बाहर निकाल लेना। ये देखिए, अब इसी तेल में हम उपमा बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें डाल देना ये थोड़ा सा हींग। अब ये आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स, आधा चम्मच जीरा भी डाल देना और इसको हल्का सा भून लेना। जब राई फूटने लगे तब इसमें डालना ये आधा चम्मच उड़द की दाल और 1 चम्मच चना दाल। कुछ सेकेंड्स ही भूनना इनको। और अब इसमें जाएंगे ये हरी मिर्चा के टुकड़े, ये बहुत सारा फ्रेश करी पत्ता और अच्छे स्वाद के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये घिसा हुआ अदरक। हमें इसे करी पत्ता को थोड़ा सा कुरकुरा होने तक और हरी मिर्च का कलर थोड़ा सा चेंज होने तक, थोड़ा सा वाइट होने तक भूनना है। तो ये देखिए, ये हो गया है। तो अब इसमें जाएगा ये बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है हमें, बस ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो बस इतना ही भूनना इसको। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये हरी मटर, फ्रोजन मटर है ये। साथ में ही जाएगा ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर। मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर यूज़ की है, इसलिए मैंने मटर और टमाटर को साथ में ही डाला है। पर अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करना चाहते हो तो पहले मटर को डालकर थोड़ा सा कुक कर लेना इसको, और उसके बाद टमाटर को डालना, क्योंकि फ्रेश मटर को कुक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो इनको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। और अब इसमें मैं ये नमक डाल रही हूँ। अब भी नमक डालने से मटर और टमाटर दोनों भी बहुत जल्दी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसे अच्छे से मिला देना और अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है, इसे खोलेंगे, थोड़ा सा चला लेते हैं इसको। अब इसमें हमें पानी डालना है। पानी हम एकदम नाप कर डालेंगे। तो जिस कप से सूजी को नाप कर लिया है हमने, उसी कप से नाप कर इसमें हम 2.5 कप पानी डाल देंगे। तो ये 1, और ये देखिए, ये पूरा 2.5 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे और उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। पर सूजी डालने से पहले आप इस पानी को थोड़ा सा चक्कर देख सकते हो नमक के लिए, क्योंकि सूजी डालने के बाद इसमें नमक मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ये पानी अच्छे से उबल गया है तो तुरंत गैस का फ्लेम लो कर देना और जल्दी से इसमें ये सूजी को डाल देना। ध्यान रखना पानी को ज़्यादा देर ऐसे उबलते हुए ना छोड़ना, क्योंकि इससे पानी कम हो जाएगा और आपका पानी का जो मेजरमेंट है वो गलत हो सकता है। तो तुरंत ही इसमें ये सूजी डालकर
इसे अच्छे से मिक्स कर देना। आपने देखा है सूजी को हमने पहले ही अच्छे से रोस्ट करके लिया है, तो इसे कुक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देना। ये उपमा मैं बच्चों को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ, तो ये उपमा अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये फ्राई की हुई मूंगफली और ये थोड़ा सा फ्रेश नारियल। बच्चों को ये अच्छा लगता है, तो आप इसे आपके हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा डाल सकते हो, और अगर नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसे स्किप भी कर सकते हो। अब चलिए बस 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर ढककर रख देना। अब इसे खोलने के बाद ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालो तो ये और भी अच्छा और टेस्टी बनेगा। तो दोस्तों आप भी ये मेरी उपमा की रेसिपी एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखना और ये गर्मा गर्म सर्व करना। अगर आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को याद से दबाना, तो आपको मेरे सारे नए वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।